हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ग्रुप बाय शालिनी। आज मैं आप सबके साथ नर्सरी किड्स के लिए उनकी हिंदी वर्कशीट को, प्रैक्टिस वर्कशीट को शेयर कर रही हूँ। आप इस वर्कशीट की हेल्प से आप अपने किड्स की हिंदी की प्रैक्टिस अच्छे से करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, नर्सरी किड्स और प्ले ग्रुप के किड्स में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऑब्जेक्ट की हेल्प से, पिक्चर की हेल्प से, पिक्चर बुक की हेल्प से उनको स्वर व्यंजन सारी चीज़ों को उनको आइडेंटिफाई कराया जाता है, उनको पढ़ना और पहचानना सिखाया जाता है। इसलिए उनकी वर्कशीट में ज़्यादा से ज़्यादा हम पिक्चर की हेल्प से क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। समान वर्ण पर गोला करें। यहाँ पर व्यंजन लिखे हुए हैं और जो यहाँ पर समान वर्ण है उन पर उनको आप सर्कल करने को बोलिए। क म क क ज क क क, ये समान वर्ण है तो इन पर आप किड्स को पूछिए और सर्कल करने को बोलिए। स स स क ख, जो समान है, एक जैसे हैं, उन पर सर्कल करना है। इसी तरह यहाँ व पे करना है, यहाँ ग पे करना है। इस तरह से आप किड्स को आप प्रैक्टिस कराइए। नेक्स्ट, चित्रों को उनके वर्णों के साथ मिलाएं। बच्चों को पिक्चर की हेल्प से उनको पूछना है कि किस वर्ण से कौन से पिक्चर का नाम हम बोलते हैं। ये क्या है? घर। तो घ घ कहाँ है आप उनको पूछिए। घ घ से घर के पिक्चर को मैच करना है। ये क्या है? मछली। म से मछली। पतंग। प से पतंग। जग। ज से जग। सड़क। स से सड़क। कमल। क से कमल। इस तरह से बच्चों की आप पिक्चर की हेल्प से उनको वर्णों को पहचानने में उनकी प्रैक्टिस कराइए। नेक्स्ट है, व्यंजन वर्णों पर घेरा करें। आप इस तरह के क्वेश्चन क्रिएट करके आप बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं कि उन्होंने स्वर और व्यंजन को वो पहचानना सीख गए हैं या नहीं सीखे हैं। आप उनके लिए यहाँ पर स्वर भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि स्वर वर्णों पर घेरा करें, जैसे हमने दिया व्यंजन वर्णों पर घेरा करें। व्यंजन कौन कौन से हैं? ख व्यंजन है, अ स्वर है, अंग व्यंजन वर्ण है, ए स्वर है, च व्यंजन है। इसलिए हम जितने भी व्यंजन वर्ण हैं आप किड्स को बोलिए, उसको आइडेंटिफाई करते हुए वहां सर्कल करें। ज ग ट ड न और म, इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को सिखाए जाते हैं। भिन्न वर्ग के वर्ण पर गोला करें। अब यहाँ पे भिन्न वर्ग के वर्ण पर, जैसे एक सीक्वेंस में बच्चों को स्वर और व्यंजन अच्छी तरह से याद है कि नहीं, आप इस तरह के वर्कशीट से आप उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। क ख ग घ अंग, तो यहाँ क्या है? प, तो ये अलग है, भिन्न है, इस पर गोला करना है। च छ ट झ इय, यहाँ पे ट भिन्न है। ट ठ ड ढ, यहाँ अड़ होगा लेकिन य दिया है इसलिए ये भिन्न है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराइए। ह थ द ध न, ये ह यहाँ पे अलग है, यहाँ त होगा तब ये एक सीक्वेंस में होगा। त थ द ध न, इस तरह के आप क्वेश्चंस बच्चों की प्रैक्टिस कराइए। चित्र देखकर सही वर्ण पर गोला करें। पिक्चर की हेल्प से ज़्यादा बच्चों को क्वेश्चंस नर्सरी में
दिए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए। लिखने पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, धीरे धीरे उनको प्रैक्टिस कराई जाती है। ये आप उनसे पूछिए, इस पिक्चर का जो पहला अक्षर है उसको यहाँ पे उस वर्ण पर गोला करना है, इमली, ई से इमली, आम, आ से आम, ये क्या है, एनक, ऐसे, सॉरी, ऐसे एनक, ऐसे एनक अंगूर, अंग से अंगूर। नेक्स्ट, खाली जगह, खाली स्थान भरो, अ से अह तक। आप बच्चों को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उनकी लिखने की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। अ, अब यहाँ से उनको थोड़ा बहुत लिखने के लिए आप क्वेश्चंस दे सकते हैं। अ, अ के बाद आ, ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ, री, ए, ए, ओ, औ, अंक, अह। इस तरह से उनको आप स्वर लिखना सिखाइए। अगला वर्ण लिखो। अ के बाद क्या आता है, पहले आप उनको इस तरह से प्रैक्टिस कराइए, फिर आप उनको या तो यहाँ से लिख के देखने को, देखकर लिखने को बोलिए। अ, अ के बाद आता है आ, ऊ, ऊ के बाद ऊ, ए, ए, अंक, अह, ओ, 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 री, ए, री, ए। इस तरह से बच्चों की आप बार बार प्रैक्टिस कराइए। नेक्स्ट, बीच में आने वाले वर्ण को लिखें। क और ग के बीच में कौन सा व्यंजन वर्ण आता है, क, ख, ग, च, छ, ज, त, थ, द, ब, भ, म। इस तरह से बच्चों को सीक्वेंस पे उनको स्वर और व्यंजन की प्रैक्टिस होती है। बिंदुओं को क्रम से मिलाते हुए चित्र पूरा करें। आप इस तरह से एक फिगर क्रिएट करके दीजिए और उनको ये क्रम से मिलाना है। क्रम मीन्स क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ, घ के बाद अंग, अंग के बाद च, च के बाद छ। इस तरह से क से ख, ख से ग, ग से घ, घ से अंग, अंग से च, च से छ। ये क्या है, एक मछली की पिक्चर है। इस तरह से आप बच्चों को इंटरेस्टिंग वर्कशीट आप क्रिएट करके दे सकते हैं। खेल खेल में उनको स्वर और व्यंजन भी लर्न हो जाएंगे। चित्र देखकर पहला वर्ण लिखो। ये क्या है, पतंग। तो पतंग का पहला वर्ण क्या है, प। ये क्या है, जग, ज, टब, ट से टब, ट, ट से टमाटर, झंडा, झ से झंडा, घड़ी, घ से घड़ी। इस तरह से आप नर्सरी किड्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके किड्स के लिए हेल्पफुल हो, प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।